एक हमने देखा है कि भगवान सांवरिया सेठ की जो मनमोहक छवि है वो बड़ी ही निराली है, मतलब हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं भगवान सांवरिया सेठ। 5:30 बजे मंदिर खुल जाता है, 5:30 बजे मंगला आरती होती है भगवान की, 6:15 से 8:15 बजे का श्रृंगार का समय रहता है ठाकुर जी महाराज का, 8:15 बजे दर्शन का पर्दा खुलता है, 10 से 11:15 राजभोग आरती रहती है और दिन में 12 बजे दर्शन बंद होते हैं प्रभु के, तो 2:30 बजे उत्थापन होता है। महाराज जी, हमने सुना है कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के ऑनर्स जो हैं, वो जब सांवरिया सेठ के मंदिर पहुंचते हैं तो भगवान सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना करके ही बाहर निकलते हैं। जी भगवान जी, इसमें देश के, भारत के कोने कोने से श्रद्धालु पधारते हैं बिजनेस को लेके, और उनके हर दुख को, घर में जो भी दुख हो, खुशी के लिए, गम हो, जो भी हो, उसके लिए प्रभु के दरबार में आते हैं और जो उनकी इच्छाएं होती है। तो सांवरिया सेठ और सांवरिया सेठ ये एक ही है या इनमें कोई अंतर है, इसको भी थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। जी भगवान, अगर अपन ठाकुर जी का नाम हिंदी में जो लिखेंगे तो सांवलिया सेठ जी आएगा, और राजस्थानी में अगर बोलने चाहेंगे तो सांवरिया सेठ बोला जाएगा। वाँ वाँ वाँ। तो बाकी रियल सही है सांवलिया सेठ, सांवलिया सेठ, लिया सेठ जी सही है। चलिए, तो जब हम कभी भगवान के सामने अपनी कोई ऐसी प्रार्थना करें तो सांवलिया सेठ के नाम से जो उन्हें संबोधित करें। जी प्रभु, सांवलिया सेठ जी के नाम से।